वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम और कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। तो आज हम देखेंगे कि होमोफोन्स और होमोग्राफ और होमोनिम में क्या डिफरेंस होता है। होमोफोन्स के ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने होमोफोन्स के बारे में बताया है कि होमोफोन्स क्या होते हैं और कौन कौन से वर्ड्स जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो होमोफोन्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम होमोफोन से। तो होमो मतलब होता है सेम, एक जैसा। फोन मतलब होता है साउंड, फोन मतलब होता है साउंड या वॉइस, मतलब ऐसे वर्ड जो बोलने में एक जैसे हो, मतलब उनका वर्ड्स विच हैव सेम प्रोनाउंसिएशन और वी कैन से सेम साउंड बट डिफरेंट इन देयर स्पेलिंग्स एंड ऑल्सो डिफरेंट इन देयर मीनिंग। ऐसे वर्ड्स जो डिफरेंट स्पेलिंग्स हो जिनकी, डिफरेंट मीनिंग है जिनकी, बट जब हम उन्हें प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो वो एक जैसे लगते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डिटेल में मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है होमोफोन्स पे। तो एग्जाम्पल है सी, एस डबल ई सी। एस डबल ई सी का मतलब होता है देखना, और एस ई ए सी, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है। सी मतलब टू लुक, मतलब देखना। सी मतलब वॉटर, वॉटर बॉडी, जो सी जिसे हम समंदर सागर बोलते हैं वो होता है सी। सिमिलरली होल, डब्ल्यू एच ओ एल ई होल, होल, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। होल मतलब पूरा, कंप्लीट। दिस होल मतलब छेद। देन राइट, राइट, वन राइट मतलब डब्ल्यू आर आई टी ई मतलब लिखना, राइट मतलब, दो मीनिंग होते हैं इसके, या तो डायरेक्शन या तो मतलब सही। ब्रेक, बी आर ए के ई ब्रेक, बी आर ई ए के ब्रेक। एक ब्रेक का मतलब होता है रुकना, एक ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। प्रोनाउंसिएशन सेम, स्पेलिंग डिफरेंट, मीनिंग डिफरेंट। बाय, बाय, बाय मतलब खरीदना, और एक बाय मतलब द्वारा। लेटर, लेटर, एक लेटर का मतलब होता है चिट्ठी, खत। दूसरा लेटर मतलब बाद में। मेल, मेल, सेम प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट स्पेलिंग, डिफरेंट मीनिंग। एक मेल का मतलब होता है लेटर, दूसरा मेल का मतलब होता है मैन, मैन, और या फिर जितने भी मेल होते हैं, बॉयज, दैट इज मेल। आवर, आवर, एक आवर टाइम वाला है, एक आवर आपका प्रोनाउन में जो यूज होता है। वीक, वीक, एक वीक डेज ऑफ द वीक वाला है, और एक वीक आपका कमजोर, वीक। देन मीट, मीट, एक मीट मिलने वाला है, दूसरा मीट, दैट इज आप जिसको फ्लैश बोलते हैं, मटन, दैट इज मीट। तो होमोफोन्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो बोलने पे सेम साउंड करते हैं, स्पेलिंग उनकी डिफरेंट होती है और मीनिंग भी डिफरेंट होती है। लेट्स सी व्हाट आर होमोग्राफ।
होमो मीन्स सेम, ग्राफ मीन्स टू राइट और द वर्ड्स रिटन है ना विद सेम स्पेलिंग्स, मतलब तो होमोग्राफ जो होते हैं वो उनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग सेम होगी, मतलब वो सेम लिखे जाते हैं बट दे ऑल्सो हैव डिफरेंट मीनिंग्स। तो अगर होमोग्राफ अगर विद डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, सेम स्पेलिंग विद डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट मीनिंग, दे आर होमोग्राफ। फॉर एग्जाम्पल LEAD लेड, दैट इज ऑफ मेटल, वो सब लेड जो हमारी पेंसिल में लेड होती है वो वाला, और LEAD लीड। तो यहां आप देख सकते हैं यहां पे सेम स्पेलिंग है बट यहां पे डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हो रहा है और मीनिंग भी डिफरेंट है। लेड लीड, लीड करना मतलब किसी भी चीज में आगे रहना, उसे कहते हैं लीड करना, और लेड जो पेंसिल में लेड होती है। टियर 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 मतलब आंसू, बस टियर साउंड्स लाइक अ ईयर, देन टियर साउंड्स लाइक अ एयर। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, स्पेलिंग सेम है, मीनिंग डिफरेंट है। टियर मतलब आंसू एंड दिस टियर मतलब जो फटा हुआ होता है टियर वो वाला। ट्रेन ट्रेन दैट ट्रेन एंड ट्रेन, एक ट्रेन जो हम ट्रेनिंग देते हैं किसी को कुछ सिखाते हैं वो ट्रेन, और एक ट्रेन जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती है जिसे हम हिंदी में रेलगाड़ी बोलते हैं। देन क्लोज क्लोज, वन क्लोज मीनिंग इज नियर, क्लोज पास में, एंड अनदर क्लोज मतलब क्लोज शर्ट बंद होना, क्लोज क्लोज द डोर दैट इज शर्ट द डोर दैट इज क्लोज। लीन देन लीन, वन लीन मीनिंग इज थिन वेरी थिन लीन पर्सन, अनदर लीन मतलब किसी सपोर्ट के सहारे टिकना जिसे हम बोलते हैं लीन। Bend forward, that is lean. Then bow, bow and bow. तो bow, एक bow, जो bow मतलब होता है झुकना, जब हम झुकते हैं कहीं पे माथा टेकने के लिए पैर छूने के लिए जो हम झुकते हैं एक वो bow, एक bow जो होता है फ्रंट ऑफ द शिप दैट इज बो बो, दोनों सेम स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग। स्किप स्किप, एक स्किप जंप वाला, दूसरा स्किप छोड़ने वाला, आई स्किप द मेल वो वाला स्किप छोड़ देना, और एक स्किप जंप। बैट बैट, तो दिस बैट, वन बैट इज फॉर प्लेइंग एंड वन बैट इज एन मैमल दैट इज चमगादड़। तो अब देखिए जो बैट बैट है इसका प्रोनाउंसिएशन सेम था, यहां मैंने इसलिए लिखा है डिफरेंस बताने के लिए। तो अब हम देखते हैं होमोनिम्स क्या होते हैं। तो होमोग्राफ और होमोनिम्स सेम चीज होते हैं, लेकिन जब कोई वर्ड सेम लिखा जाता है, जब कोई वर्ड सेम लिखा जाता है मतलब उसकी स्पेलिंग सेम होती है, उनकी मीनिंग्स डिफरेंट होती हैं और उनके प्रोनाउंसिएशन भी नियर अबाउट डिफरेंट होता है, ऑलमोस्ट डिफरेंट होता है प्रोनाउंसिएशन, तो वो वर्ड्स तब कहलाते हैं होमोग्राफ।
लेट्स सी व्हाट आर होमो नेम. होमो मीन्स सेम, नेम्स मीन्स नेम, मतलब ऐसे वर्ड जिनके नाम सेम हो, मतलब उनकी स्पेलिंग्स सेम हो, उनके स्पेलिंग सेम हो, उनका प्रोनाउंसिएशन या साउंड कह लीजिए वो भी सेम हो, बट उनकी मीनिंग डिफरेंट हो. तो होमोनिम्स और होमोग्राफ सेम होते हैं, बस होमोग्राफ में समटाइम्स डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होता है और होमोनिम्स में सेम प्रोनाउंसिएशन होता है. जब वर्ड्स का सेम प्रोनाउंसिएशन हो तो वो होमोनिम्स बन जाते हैं, और जब थोड़ा डिफरेंट हो तो वो होमोग्राफ बन जाते हैं. बाकी वो होते सेम ही हैं, बस इतना सा डिफरेंस है. तो चलिए कुछ मीनिंग्स सॉरी वर्ड्स देख लेते हैं जो कि होमोनिम्स है. तो हमारा एग्जाम्पल है बैंक. तो एक बैंक होता है जहाँ हम अपनी मनी कैप्ट करते हैं फॉर सेविंग, एंड अदर बैंक जो होता है वो रिवर का किनारा, जिसे बैंक बोलते हैं रिवर बैंक, एक वो बैंक होता है. प्रोनाउंसिएशन सेम, स्पेलिंग सेम, बट मीनिंग डिफरेंट. बुक, बुक, वन बुक इज जिसे हम पढ़ते हैं, एंड अनदर बुक इज यूज्ड फॉर रिजर्वेशन. आई हैव अ मैथ्स बुक और बुक, आई बुक अ टेबल फॉर टू फॉर टुनाइट डिनर. तो यहां एक बुक, आई बुक अ कैब, आई बुक अ टैक्सी, आई बुक अ होटल. तो यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए बुक एक बुक है, और एक जो हमारी किताब होती है उसके लिए बुक होता है. बैट, बैट, इसलिए बैट मैंने वहां पे लिखा था कि जब वहां पे वो बैट जो है सेम प्रोनाउंसिएशन होगा और स्पेलिंग तो सेम होगी, तब एक बैट का मतलब प्ले वाला बैट, दूसरा बैट का मतलब एनिमल. देन राइट, राइट, एक राइट सही वाला, एक राइट डायरेक्शन वाला. सिमिलरली लेफ्ट, लेफ्ट, एक लेफ्ट छोड़ देने वाला, आई लेफ्ट फ्रॉम देयर. सो एक लेफ्ट वो लेफ्ट और एक डायरेक्शन वाला लेफ्ट. लेटर, लेटर, एक लेटर जो हम लिखते हैं जिसे हम खत बोलते हैं, चिट्ठी, मेल. वो एक लेटर एंड अनदर लेटर मीन्स अल्फाबेट्स, ए बी सी, लेटर एफ, लेटर जी, दैट वन लेटर. सो सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, बट डिफरेंट मीनिंग. देन पार एंड पार्क, वन पार्क वेयर चिल्ड्रन गो टू प्ले, दैट पार्क, एंड अनदर पार्क फॉर पार्किंग, दैट पार्क गाड़ियां खड़ा करना, कार पार्क, दैट इज वन पार्क. देन अनदर वर्ड इज पाम, पाम, वन पाम ट्री, पाम ट्री, अनदर पाम इज ऑफ योर हैंड, हथेली, दिस इज कॉल्ड पाम. फ्लाई, वन फ्लाई मीन्स इंसेक्ट, दैट इज हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, ऑल दैट फ्लाई, इंसेक्ट इज फ्लाई. देन अनदर फ्लाई मीन्स टू फ्लाई, एक फ्लाई इंसेक्ट्स के लिए यूज होता है, दूसरा फ्लाई उड़ने के लिए. मैच, मैच, वन मैच इज फॉर लाइक टूर्नामेंट, क्रिकेट मैच, दैट मैच. Another match means किसी चीज से मिलना, similar होना, match. Band, man, band, like rock star band, musical band, that band. Music group जो होता है जिसे हम band कहते हैं. Another band, रबर बैंड, हेयर बैंड, ऑल दैट बैंड यूज फॉर टाइंग द हेयर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बैंड. देन वेल, वेल,
वन वेल इज फॉर आई एम नॉट फीलिंग वेल, फॉर गुड. अनदर वेल मीन्स कुआं. तो वॉट आर होमोफोन्स? होमोफोन्स हैव सेम प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग. होमोग्राफ है सेम स्पेलिंग, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट मीनिंग. एंड इट बिकम्स होमोनिम व्हेन इट हैव सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन होमोफोन, होमोग्राफ एंड होमोनिम. होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक इट देन प्लीज hit the like button, subscribe to my channel, and if you like the video then please share it also.